अगर शालीन बाहर आते हैं तो नो डॉग्स, थैंक यू गाइस, थैंक यू। आई थिंक सिर्फ मेरे बारे में बात करते हैं ना, किसी और के बारे में क्यों बात करना। जो घर के अंदर है एंजॉय कर रहे हैं उनको एंजॉय करने दीजिए। अच्छा खाना खाने को मिल रहा है एंड सबको पता है कि मैं बिग फूडी और मुझे मैं उसमें खाने की बहुत शौकीन हूँ। सो या गुड फूड अवेट्स। तो इसके साथ ही बिना विदाउट सेलफोन बिना कुछ मतलब सोशल मीडिया से कोई नाता ना रखते हुए आप घर बैठे हैं, बाहर आने के बाद सोशल मीडिया पे आपने क्या कुछ देखा? ऑनेस्टली बहुत पॉजिटिविटी देखा, बहुत सारा प्यार मिला है मुझे, फैंस इतने सारे और नए फैंस मेरे साथ जुड़े हैं, नए लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तो इतना प्यार मिला है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ। सो दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट एंड या अभी भी मतलब ऐसा लगता है कि फ़ोन के साथ ना इतना यूज टू नहीं हुए है, यू नो, मतलब थोड़ा सा ऑफ लगता है एंड कम भी यूजेज हो रही है फ़ोन का, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। इसी के साथ ही बिग बॉस की आवाज़ को कितना मिस कर रहे हो आप? थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, झूठी बोलूँगी, बट थोड़ा बहुत ही मिस कर रही हूँ। इसी के साथ ही आपकी कई बिग बॉस हाउस में जो आपकी फूड का प्रॉब्लम हुआ था और माइंड को लेकर मतलब कई कंट्रोवर्सीज हो रही है, लोग काफी ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जब बाहर आई हूँ मेरे को ट्रोलिंग इतना ज़्यादा दिखा नहीं रहा। मैं बहुत खुश थी कि ट्विटर में जब तक मैं थी एवरी डे ऑलमोस्ट एवरी डे मैं टॉप 5 में ट्विटर में भी ट्रेंड कर रही थी, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। जो कभी अंदर किसी ने कोई भी होस्ट ने या कोई भी गेस्ट ने जिक्र नहीं किया, बट टचवुड इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग। माहिन को लेकर जो लोगों ने बोला है आई थिंक दैट्स कम्प्लीटली अनफेयर, बिकॉज मैं इकलौती कंटेस्टेंट थी जो हर रोज़ माहिन का कटोरा धो के रखती थी, माहिन का सूसू के कपड़े हर चीज़ धो के रखती थी, हर कुछ मैं करके रखती थी, कोई और करता भी नहीं था, वो बेचारी अकेले शोरूम के बाहर सोई रहती थी, मैं ही उसको बुला बुला के अपने रूम में अपने साथ में रखती थी। सो आई थिंक दैट इज़ टोटली अनफेयर। मतलब क्या होता है 24 घंटे हम लोग वहाँ पे घर के अंदर बिताते हैं और आप लोग सिर्फ एक से डेढ़ घंटा देखते हैं, सो वो नरेटिव थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसी के साथ ही शालीन के साथ जो रिश्ता आपका ऑन कैमरा देखा गया वहाँ पर, उसे भी लेकर लोग काफी बातें कर रहे हैं कि आई थिंक सिर्फ मेरे बारे में बात करते हैं ना, किसी और के बारे में क्यों बात करना। जो घर के अंदर है एंजॉय कर रहे हैं उनको एंजॉय करने दीजिए। जैसे कि आप घर में आप बाकी के कंटेस्टेंट्स के साथ भी रहकर आए हो, तो कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जिसकी बातों का आप मतलब वो भूल नहीं पाएंगे उसकी बातें, मतलब जिसने आपको हर्ट किया हो? आई थिंक जो भी नेगेटिविटी था, जो भी बातें थी, मैं घर के अंदर ही छोड़ के आ चुकी हूँ। मैं लैच ऑन नहीं करती हूँ चीज़ों को लेकर, बिकॉज इट्स बेटर टू मूव ऑन इन लाइफ, सो मैं मूव ऑन करना पसंद करती हूँ। इसी के साथ ही घर में ये भी देखा गया था कि आपकी प्रियंका और अर्चना से इतनी तो नहीं बनती थी, लेकिन घर से निकलने से कुछ दिनों पहले ही आपको मेरी 8-9 हफ्ते से प्रियंका के साथ हमारी दोस्ती का बॉन्ड चालू हुआ, विच इज़ लाइक 2 months, 4 महीने में 2 महीने में हमारा बॉन्ड बना है। पहले भी हमारी बातें होती थी, बदतमीजी मेरा प्रियंका के साथ कभी भी नहीं था। इक्वेशन बॉन्ड बनने में टाइम लगता है, एक दूसरे को जानने में टाइम लगता है, सो टाइम लगा, बट इन अ गुड वे, अच्छा ही हुआ कि टाइम लगा और हम आज इतने अच्छे दोस्त थे। थैंक यू। अर्चना के लिए क्या कहना चाहेंगे? अर्चना भी बहुत स्वीट है यार, उसकी शायरियाँ इतनी मज़ेदार होती है, वो दिल की अच्छी है, थोड़ी सी कभी कभी ओवरबोर्ड हो जाती है, बहक जाती है भावनाओं में, बातों में, बट शी इज अ नाइस गर्ल, मतलब बाहर आएंगे तो बाहर ऐसे नहीं है। इसी के साथ ही इस हफ्ते कई स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं जो मतलब मैं ऑनेस्टली नहीं देख रही हूँ बिग बॉस, सच बोल रही हूँ, मैं जब से बाहर आई हूँ मैं नहीं देख रही हूँ बिग बॉस, सो या वो मेरा डिटॉक्स चल रहा है बिग बॉस से, सो थैंक यू सो मच। प्रियंका फॉर श्योर। और स्टैंड के लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लड़का है डेफिनेटली, सो अच्छे से खेले, गॉड ब्लेस हिम। और इसी के साथ ही अगर शालीन बाहर आते हैं तो नो डॉग्स, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।